ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಆಳವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ है वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले हिंदू धर्म बहुत पुराना है तो बाहर से आए होंगे 10-20 वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान सब कश्मीरी पंडित थे सब वही इस्लाम कर गए थे बन गए थे तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए हमारे आपसे कहूंगा कि आज इस 9 अगस्त की अहमियत को देखकर हमने हिंदू मुसलमान मिलके राजपूत ब्राह्मण दलित कश्मीरी गुज्जर मिलके सबने इस घर को बनाया ये हमारा घर है हम कोई बाहर से नहीं आए यही इसी मिट्टी की पैदावार इसी मिट्टी में खत्म हुआ मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहां आपको नहीं पहुंचती हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए नहीं कोई अंदर से आए मैंने कह देखो अंदर बाहर से कोई नहीं आया हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ पर वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले हिंदू धर्म बहुत पुराना है तो बाहर से आए होंगे 10-20 वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान सब कश्मीरी पंडित थे सब वही इस्लाम कर गए बन गए तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हमारे हिंदू भाई मरते हैं वो जलते हैं जलाते हैं उसके भाई उसके बाद उनको दरिया में डालते हैं अलग अलग जगहों में तो हमारे पांव में पानी हमारे पी जाते हैं उसके